हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एस बावर्ची। आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो आम ले लिए हैं, हाफ के जी आम हैं। मीठे आम ले लें, 100 ग्राम फ्रेश मिल्क ले लें, दूध के ऊपर की मलाई है ये, और 100 ग्राम शक्कर ले लें। सबसे पहले हम शक्कर का पाउडर बना लेंगे इस तरीके से, और अब हम आम को कट कर लेंगे, उसके छिलके निकाल लें और उसका पल्प निकाल लें। इसके लिए हम रस वाले आम भी ले सकते हैं मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए, जो भी हो हमें मीठे आम लेना है। और इस तरीके से हमने उसका पूरा पल्प निकाल लिया है, आराम से मैंगो के अंदर का पल्प निकाल लें। ये समर स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर घर में बनाकर इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम खाएं। सारे मैंगो पीसेस को इस तरीके से कट कर लें, और अब हम इन मैंगो पीसेस को एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लें मैंगो पीसेस का। देखिए स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इस मैंगो पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेश क्रीम को भी हमें ब्लेंड कर लेना है, चाहे तो ग्राइंडर में ब्लेंड कर सकते हैं या नहीं तो विस्कर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और इस क्रीम को भी हम मैंगो पल्प में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट शुगर पाउडर ऐड कर लें इसी मैंगो पल्प में, और इन तीन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। इस मिक्सर को हम एक बाउल में, ग्लास बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इस पर हम एक पॉलिथीन, पतली सी शीट पॉलिथीन कवर लगा देंगे और लिड लगा देंगे। पॉलिथीन कवर लगाने से इसमें बर्फ नहीं जमेगी और आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। इस मिक्सचर को हमें, इस जार को 8 to 10 आवर्स डीप फ्रीज करना है, रिफ्रिजरेट कर दें। 8 से 10 घंटे के बाद देखें मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी है सर्विंग के लिए। अब हम इस होममेड मैंगो आइसक्रीम को सर्व करेंगे। बहुत ही हेल्दी मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी है, समर स्पेशल रेसिपी मैंगो आइसक्रीम, होममेड मैंगो आइसक्रीम, ज़रूर आप ट्राई करें। घर पर ही इस रेसिपी को बनाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।